नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारे चेहरे पे, शोल्डर पे, अपर बैक पे और चेस्ट पे होने वाले पिंपल्स या एक्ने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम हमारे टीनेजर बच्चों को कितना भी समझा लें कि चेहरे पे एक्ने होने से जो लुक ख़राब होता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चेहरा मार्क्स से भरा हो, एक्ने से भरा हो, तो कॉन्फिडेंस तो लो हो ही जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्शन वाले वीडियो में मेरे व्यूज शेयर किए थे कि यदि बात केवल बॉडी कलर की है तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यदि पिंपल्स किसी अनहेल्दी स्किन या किसी बीमारी के कारण हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ने या पिंपल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, इनका क्या सिम्टम होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है और ये किन कारणों से हमारे शरीर में हो जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि मैं एक्ने को एक लाइन में डिफाइन करूं तो हमारे जो बारीक छेद होते हैं स्किन में, उसमें ऑयल के कारण या किसी डर्ट के कारण या डेड सेल के कारण वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसी को एक्ने कहते हैं। दोस्तों, अब हम पिंपल्स के कारणों पर बात करेंगे। नंबर वन, इसमें कारण ये है कि जब हमारी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड, ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करने लग जाएं। नंबर टू होगा जब इन छिद्रों के आसपास या इन पोर्स के आसपास डेड स्किन सेल इकट्ठी हो जाए। और नंबर तीन कारण होता है कि ये जो हमारे छिद्र होते हैं इनमें एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये एक्ने हमें हो कैसे जाता है। जब हमारे चेहरे, शोल्डर और चेस्ट में जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं वो ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करने लगती हैं तो हमारे स्किन के पोर्स या छेदों पे वो ऑयल जमा हो जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। उसके ब्लॉक होने के बाद वहाँ डर्ट जमा हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, जिससे वहाँ एक बल्ज बन जाता है, वो लाल कलर का हो जाता है, उसमें पेन होने लगता है और धीरे धीरे उसमें पस भी पड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो पिंपल्स को हमारे शरीर में ट्रिगर कर देते हैं। उसमें नंबर वन है हार्मोनल चेंजेस। जब यंग एज में, टीन एज में बच्चों को सेबेशियस ग्लैंड से ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होने लगता है तो ये एक्ने हो जाते हैं। और कभी कभी बड़ी उम्र में या प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ये एक्ने हो जाते हैं। नंबर दूसरा कारण होता है लाइफस्टाइल। आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल, टाइम से नहीं सोना, टाइम से खाना नहीं, पूरी नींद नहीं लेना, स्ट्रेस लेना, ओवरनाइट वर्क करना, इससे भी लोगों को एक्ने या पिंपल्स देखे गए हैं। इसमें आगे नंबर तीन पे हम बात करते हैं डाइट के बारे में। जब बच्चे या यंग लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं या ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन से और डेयरी प्रोडक्ट से भी ये एक्ने पड़ जाते हैं। और कभी कभी किसी की स्किन किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव होती है तो उससे भी एक्ने बढ़ सकते हैं। नंबर फोर पे है कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकेशन। जब किसी ट्रीटमेंट में या किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में इन अप्रोप्रिएट केमिकल्स यूज़ होते हैं तो भी बॉडी रिएक्ट कर जाती है और एक्ने बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्ने के सिम्टम्स के बारे में। जब फेस पे या शरीर के दूसरे हिस्से में पेपुल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, मीन्स उसमें बारीक बारीक लाल कलर के दाने हो जाते हैं जिनमें दर्द भी होता है। जब पेपुल्स के टिप पे पस पड़ जाता है और स्टिंगिंग पेन होता है तो इसको पश्चूल्स कहते हैं। अब बात करते हैं बड़े पिंपल्स की। इन बड़े पिंपल्स में दो तरह के होते हैं। नंबर वन है नूडल्स। इसमें गठान पड़ जाती है और पस नहीं होता है, पर यह गठान दर्द भी करती है और बहुत दिनों तक बनी रहती है। अब इसी में आगे यदि गठान में पस पड़ जाता है, उसमें स्टिंगिंग पेन होता है और उसे सिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक हेड्स की और वाइट हेड्स की। ब्लैक हेड्स तब हो जाते हैं जब हमारे स्किन के पोर्स खुले रह जाते हैं, उसमें डर्ट जमा हो जाती है, तो उसको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं या ब्लैक कॉमेडोंस भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वाइट हेड्स की या वाइट कॉमेडोंस की। इसमें पोर्स बंद तो हो जाते हैं लेकिन वाइट कलर का एक टाइनी बम्प छूट जाता है। इसमें कोई सूजन या दर्द नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें नंबर वन पे है आस आयोड। इस मेडिसिन को हम तब देते हैं जब स्किन बहुत ड्राई होती है, उसमें से पपड़ी निकलती रहती है, जो एक्ने होते हैं वो नोड्यूल फॉर्म में होते हैं और कभी कभी नोड्यूल के टिप पे हमको पस भी दिखाई देता है।
नंबर टू मेडिसिन लैटरल में 200 की। दोस्तों इसमें पेशेंट की स्किन बहुत चिपचिपी होती है, ऑयली होती है, उसको धूप सहन नहीं होती है, शरीर में सॉल्ट की डिजायर ज़्यादा होती है और ये स्काल्प और हेड के माथे के जोड़ पे उसको टाइनी कलर के पेपुल्स मिलते हैं, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब नंबर तीन पर मेडिसिन है साइलिशिया। इसमें भी पेशेंट की स्किन बहुत ऑयली और ग्रीसी होती है, इसमें पिंपल्स बड़े बड़े होते हैं, पस वाले होते हैं और यह मेडिसिन पुराने स्कार्स को हील करने में भी बहुत हेल्प करती है दोस्तों। इस सीरीज में नेक्स्ट मेडिसिन है कैलीब्रूम। यह हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके चेस्ट पे, उसके शोल्डर पे, उसके बैक पे पिंपल्स मिलते हैं और ये भी पस वाले पिंपल्स होते हैं। दोस्तों अब इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है एस्टीरियस रूबेंस। यह मेडिसिन तब देनी चाहिए जब नाक के आसपास लाल कलर के दाने हो जाते हैं और यह मेडिसिन तब भी दे सकते हैं जब बड़ी उम्र में दाने या पिंपल्स हो जाएं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर दो ऑइंटमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। नंबर वन एक्वी प्लस क्रीम है जो आपको नॉर्मल या ऑयली स्किन में जब एक्ने हो जाते हैं तब लगानी चाहिए। और नंबर टू पे है बर्बरिस एक्वाफोलियम का जेल, जब आपकी स्किन ड्राई होती है और उनके साथ एक्ने होते हैं तो ये वाला जेल बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। दोस्तों होम्योपैथी में पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन के डोजेस और पोटेंसी तय की जाती है, इसलिए इनमें से आपको कोई भी दवाई किसी भी डॉक्टर को फिजिकली दिखाकर ही लेनी है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।